बल्लभगढ़ से खबर मिल रही है, जहां पर मलेरड़ा रोड सैनिक फार्म हाउस के पास की घटना बताई जा रही है। युवकों ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मारी है। बिजली के खंभे पर टकराने से गाड़ी जलकर खाक हो गई है। तीन युवकों में दो की मौके पर ही मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। शराब के नशे में तीनों आरोपी होना बताए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब के नशे में युवकों ने बिजली के पोल में टक्कर मारी है, जिसमें तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बल्लभगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार ने बिजली के पोल में टक्कर मारी है, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बल्लभगढ़ से एक खबर है, जहां पर कार सवार ने बिजली के पोल में टक्कर मारी है, जहां युवकों ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मारी है। बिजली के खंभे पर टकराने से गाड़ी जलकर खाक हो गई है। तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना बता दी है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ से खबर है, जहां कार बिजली के खंभे से टकराई, जिसके बाद कार जलकर खाक हो गई। घटना में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जो घटना आई है जिसमें कार सवारों ने एक बिजली के पोल में टक्कर मारी है, बताइए, कार सवार नशे की हालत में थे? बिल्कुल, आपको बता देता है, बल्लभगढ़ के मलेना रोड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक कार में जो हादसे का शिकार हुई है। दरअसल देर रात यह गाड़ी बिजली के खंभे से जा टकराई थी, और टक्कर की आवाज सुनते ही जो आसपास के लोगों ने गाड़ी में फंसे तीन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला था। जैसे ही युवक गाड़ी से बाहर निकला गया तो तुरंत गाड़ी में आग लग गई और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जी, वो तेज रफ्तार थी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, क्या कार सवार जो कार चला रहे थे, क्या तेज रफ्तार कार थी जिसकी वजह से हादसा हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो आप प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी माने तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि तेज रफ्तार से वो गाड़ी आ गई थी, तो गाड़ी आने से उनका अनबैलेंस हो गया, जो बिजली के खंभे से जा टकराए, जिसके कारण उन लोगों को बाहर तो निकाल लिया था आसपास के लोगों ने, जो शॉर्ट सर्किट हो गया था, वहां से जो स्पार्किंग हुआ था गाड़ी में अचानक आग लग गई, आग लगने से गाड़ी जलकर पूरी खाक हो गई है, जिसके मौके पर यह जो युवक थे एक की मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल। जी, कहाँ के युवक थे, क्या इस बात की जानकारी हो पाई है? जी, जिस तरह से अगर वो बात करें तो वहाँ के जो पुलिस है अभी मामले की जांच कर रही है, युवकों की तलाश कर रही है कि कहाँ के युवक थे, उनकी छानबीन में जांच लगी हुई थी। क्या जो कार सवार थे उस वक्त आग लगी थी, क्या फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना नहीं दी गई थी? आग पर जो कार में आग लगी थी, आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह के जब वहाँ पर ये हादसा हुआ था तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस की सूचना देने पर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची है। मौके पर जो आसपास के लोगों ने गाड़ी के जो वहाँ थी उनपे उस पर करंट लग रहा था, उसपे तो वहाँ का गाड़ी उसे तीन लोगों को बाहर तो निकाल लिया था, परंतु जो उसका पानी कैसे गिर रहा था, उसमें करंट स्पार्किंग वहां रहा था, आसपास के लोगों हड़कंप मचा हुआ था, तो अपने आप ही जो गाड़ी की जो वहां पर जलकर पूरी खाक हो गई, और पुलिस ने सूचना तो दमकल केंद्र पे दी थी, तुरंत जो गाड़ी है वहां पर मौके पर नहीं पहुंच पाई, और जिसके कारण गाड़ी की जो अपने आप आग जो बुझ पाई, जिसके कारण आसपास के लोगों ने वो गाड़ी की आग को बुझाई थी। नितिन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिजली के खंभे में करंट आ रहा था, जिस वजह से जो वहाँ मौजूद लोग थे वो पानी नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि स्पायरिंग हो रही थी, अगर ये कार नहीं होती और भी हादसा हो सकता था इस तरीके से, क्योंकि ये तो बिजली विभाग की भी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अगर बात करेंगे जिस तरीके से ये जो खंभा में जो गाड़ी जो टकराई थी, तो कहीं ना कहीं जो युवक वो नशे की हालत में भी बताए जा रहे थे, रात को वो अपने किसी पार्टी करके वहां से आ रहे थे, तो अचानक तेज रफ्तार गाड़ी थी उनकी,
जो गाड़ी के उसमें जो खंबे पर जाकर अनबैलेंस हो गई थी, तो उनसे जो गाड़ी की एकदम पलटी, तो वहाँ पर युवक गाड़ी पूरी अनलॉक थी, जिससे कि जो आसपास के लोगों ने थे वहाँ के, जो उन्होंने गाड़ियों को वहाँ के शीशे वीशे तोड़कर उनको बाहर निकाला था, तो जिसके चलते एक युवक की तो मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल है। इस पार्किंग होने से गाड़ी पूरी जलकर खाक हो चुकी थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्लभगढ़ से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ तेज रफ्तार कार ने बिजली के पोल में टक्कर मारी है, जिसमें एक की मौत हो गई है, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल में करंट आ रहा था, इस वजह से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू नहीं पा पाया, जिसके चलते जो कार थी वो जलकर खाक हो गई है।